नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह, सिरसा अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं, हमें एक ऐसा भाई मिला है, एक ऐसा सेवादार मिला है, मालिक का प्यारा मिला है, सैकड़ों लोगों की मदद कर चुका है अभी तक, जिसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। ये हमारे साथ प्रधान जी हैं, कुलदीप जी। कुलदीप जी के साथ पास हम पहुंचे गांव अलिका। नमस्कार जी कुलदीप जी। नमस्कार जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिरसा अपडेट की पूरी टीम, श्रीमान कुलदीप सिंह और बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद आज माता करतारकौर आश्रम में पहुंचने पर। ये माता करतारकौर जी आश्रम है गांव अलिका, जिला सिरसा, कालावाड़ी विधानसभा के अंदर ये पड़ता है गांव अलिका। और आप देख सकते हैं माता करतारकौर आश्रम यहाँ अलिका। यहाँ क्या है कि बेसहारा लोगों को लेके आया जाता है, और ये कुलदीप जी हैं और इनकी पूरी टीम है जो इन लोगों की सेवा करती है। ये मालिक के प्यारे हैं, ये प्यारे यहाँ रहते हैं, इनको खाने पीने की, रहने की हर तरह की सुविधा यहाँ दी जाती है, और पूरा का पूरा मैनेज अभी तक कुलदीप जी और इनके कुछ साथी हैं ये मिलके ही करते हैं। इन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है इनकी सेवा के लिए। हमें पहली बार एक ऐसा इंसान मिला है जिसने सब कुछ अपना एक बेसहारा लोगों की सेवा के लिए दांव पे लगा दिया। और कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया हैं सर, ठीक ठाक हैं। तो आश्रम जो हमारा लगभग 1.5-2 साल से चल रहा है अलिका गांव में, तो नज़दीक गांव में कई बंदों को पता है, ज़्यादा अभी नाम नहीं है क्योंकि काफ़ी समय नहीं हुआ है हमें मार्केट में आए हुए, हमारे आश्रम को बने हुए। तो मैं यही अपील करता हूं कि आश्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सहयोग करें। अभी आपके पास कितने लोग हैं, कितने प्यारे हैं जो आप? भाई 35 प्लस प्यारे हैं मेरे पास, अभी 38-37 के करीब हैं टोटल। हाँ, कुछ ठीक हो जाते हैं, चले भी जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत गए हैं जी, कम से कम 1.5 साल में 30-40 प्यारे जो हमारे पास है ठीक होके गए हैं। यहाँ लोग आते हैं, ठीक होते हैं, ये उनकी पूरी तरह से सेवा करते हैं, अगर मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो भी करते हैं, और पूरी की पूरी जो इनका खाना खिलाना है, नहलाना है, हर तरह की सेवा एक माँ बाप की तरह ये इनकी करते हैं। आप देख सकते हैं पूज्य माता करतारकौर आश्रम में अभी हम पहुंचे हैं, इसके अंदर का आपको पूरा का पूरा लाइव नज़ारा हम दिखाते हैं। ये इन्होंने पूरा का पूरा सेटअप जो बनाया है अपने पास से बनाया है, पूरा सेटअप बनाया है, हर एक के लिए यहाँ पे मंजे लगाए, बिस्तर लगाए गए हैं, हर एक के लिए आराम के लिए यहाँ पूरी सुविधा यहाँ दी गई है। बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, और 18 साल से ऊपर के जो यहाँ जो प्यारे हैं यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हर कमरे में 3 से 4 लोगों के रहने के लिए पूरी सुविधा यहाँ की गई है। यहाँ लोग आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ रह रहे हैं। कुलदीप जी कहाँ कहाँ से ये लोग आए हैं? ये सर अलग अलग गांव से हैं, पंजाब से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, लोकल भी हैं अपने नज़दीक गांव में से। कुछ हमारे पास जो 112 सर्विस है पुलिस रोड़ी वाली और बड़ागुड़ा वाली या फिर राणिया वाली, ये हमारे पास छोड़ जाते हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं हमारे पास लड़के या लड़कियाँ भी हमारे पास लगभग पुलिस वाले ही छोड़ के जाते हैं, हम वैसे कम लेके आते हैं, ले आते हैं अगर हमारे पास फोन आ जाता है, लगभग पुलिस वाले ही हमारे पास छोड़ कर जाते हैं। जो 112 की टीम है गांव-गांव घूमती है, गली-गली घूमती है, उनको कहीं पे भी इस तरह के बेसहारा लोग मिलते हैं, उनको कुलदीप जी ने बोला है कि उनको यहाँ छोड़ के जाइए, हम उनकी सेवा करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, तो वो पुलिस वाले जो साथी हैं वो इनके पास छोड़ जाते हैं, इन पे विश्वास करते हैं, विश्वास करते तो ही इनके ऊपर इनके पास छोड़ जाते हैं, और कुलदीप जी अपने बच्चों की तरह इनकी संभाल करते हैं। आप देख सकते हैं हम आपको पूरे अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं, जो अंदर का इनका खाना बनाया जाता है, जो खाने की जो व्यवस्था यहाँ रसोई है, और यहाँ जो सैलरी बेस भी इन्होंने लगाया है, कुछ टीम इनकी सेवा करती है, यहाँ सारी चीज़ें इनके खाने के लिए जो व्यवस्था की गई है। गाँव से भी कुछ बहनें, माता बहनें यहाँ पहुँची हैं सेवा के लिए पहुँची हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हो आप? अलिका पिंड के। अलिका आज रक्षाबंधन के लिए आए? हाँ। राखी बांधने के लिए? हाँ। तो जो गांव के हैं, आसपास के लोग हैं, वो कुलदीप जी की काम की सराहना करते हैं और इनसे प्रेम करते हैं, इनके लिए ये लोग आते हैं, कोई भी त्योहार होता है त्योहार मनाते हैं, और आज राखी का जो पाक पवित्र दिन है पूरे भारत के अंदर मनाया जाता है, तो इन्होंने अपने भाइयों को राखी बांधी, लेकिन ये भी किसी के भाई हैं, ये भी किसी की बहन है, और इनके लिए आज ये लोग त्योहार मनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? हाँ जी, कुलदीप वीर जी की सिस्टर हूँ, छोटी। अच्छा। हाँ जी, बड़ी। यानी कि
कुलदीप जी अकेले नहीं, कुलदीप जी का पूरा परिवार इनकी सेवा के लिए लगा है, यानी कि एक इंसान नहीं पूरे के पूरे परिवार ने बीड़ा उठाया और अपना सब कुछ दांव पे लगाया इनकी सेवा के लिए। हाँ जी, हम मेरे वीर जी के साथ हैं, हम बहुत सपोर्ट करते हैं, हम बिल्कुल साथ हैं मेरे भाई के। यहाँ दिन रात इनकी सेवा करते हो? हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे साथ माता जी हैं, माता करतार कौर जी, माता करतार कौर जी हमारे साथ हैं। माता करतार कौर जी इनका नाम है और इन्हीं के नाम से इस आश्रम का नाम रखा गया है। तो धन्य है ऐसी माँ जिसके ऐसे जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने इस आश्रम को बनाया, अपनी माँ के नाम पे बनाया। और से लोग अपने बिजनेस का नाम तो रख लेते हैं अपनी माँ के नाम पे, अपने पिता के नाम पे, लेकिन सेवा के मामले में अगर सेवा के लिए कोई अपने माता पिता का नाम रखता है, ये एक बहुत बड़ा जज्बा है और बहुत बड़ा काबिल तारीफ है। हम इसकी दिल से सराहना करते हैं। माता जी नमस्कार। और जी, और मेरे बेटे का आश्रम है और इसकी करो माड़ी मोटी सहायता करो, बहुत इसमें बंदे बेसहारे आते हैं उरे और सब। जैसे हमें कुलदीप जी ने बताया, इनके पल्ले इनके पास जो कुछ था, जमीन जायदाद थी जो भी इनके पास था, या जो भी ये कमाई करते हैं, ये सारा का सारा इन लोगों पे सारी कमाई मेरे बेटा जितनी करता है इसमें लगाता है। तुम भी सहायता करो थोड़ी घनी बस। तो पूरा का पूरा परिवार आप लोगों का? हाँ, आप पूरा का पूरा परिवार, हम उरे सेवा करते हैं, हम आप खाना बना के आपके हाथ से खवाते हैं। जब आप इन लोगों को खाना खिलाते हो अपने हाथ से, हाँ जी, आपको कितनी संतुष्टि मिलती, कितनी खुशी मिलती? बहुत खुशी मिलती है जी, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। हमें तो इतना चाह चढ़ता है, हम सेवा करते हैं, हमको बहुत खुशी आती है। और मेरे बेटे का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो से मेरे बेटे ने जो समाज सेवा चला रखी है, और मेरे बेटे का जौन सा माँ बाप का हमारा नाम ऊंचा कर दिया मेरे बेटे ने। बिल्कुल धन्य है ये माँ, धन्य है इनकी कोख, जिनकी कोख से कुलदीप जी ने जन्म लिया और कुलदीप जी ने बीड़ा उठाया इन लोगों की सेवा के लिए। और ऐसा ऐसा कर्म जो करते हैं, एक संतों की कहावत है कि जननी जने तो भक्त जने कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गवावे नूर। ये कहावत जो सिद्ध की है इन माता ने की है और इनके बेटे ने की है, जो कुलदीप जी ने ये चीज साबित कर दी है कि चाहे तो भक्त पैदा हो या योद्धा पैदा हो या कोई संत पैदा हो, कोई ऐसा देश की सेवा करे या जो अपाहिज है जरूरतमंदों की सेवा करे, और ये सेवा लोग कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा परिवार कर रहा है। एक माता जी हमारे पास और पहुंची है जो लड्डू लेके आए हैं इन लोगों को लड्डू खिलाने के लिए। माता जी आपका नाम क्या है? अपना ही परिवार है, मेरी बहन ने साथ की हुई। अच्छा अच्छा। हाँ, कृष्णा मेरा नाम। कृष्णा नाम है आपका? हाँ। तो माता करतार कौर जी की बहन? हाँ, बहन हूँ मैं उसकी। अच्छा। हाँ। आपके घर में जन्म लिया कुलदीप जी ने? हाँ। और ये सेवा करे है? हाँ। आप लोगों को अच्छा लगा? ना, अच्छा लगा हमको भाई। तू ऐसे सेवा करेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा भाई? कमाएंगे लगाएंगे भाई, जो कमाते हो लगा देते। हाँ, कमाएंगे तो लगाएंगे, लगा रहे भाई। देखो इन लोगों की सोच, देखो अकेले कुलदीप जी की नहीं है, पूरे परिवार की, इनकी माता है, इनकी बहनें हैं, इनके बच्चे भी हैं यहाँ, तो ये सभी की सोच एक ही है कि कमाएंगे और लगाएंगे। हाँ। अपना जो कुछ भी है हम समाज की सेवा के लिए, इन लोगों की सेवा के लिए सब कुछ अपना इस पे लगा देंगे और लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक लिमिट होती है, कोई भी इंसान कितना ही कितना कर सकता है, ये लोग आप इनकी स्थिति देख सकते हैं, ये कमाते हैं जितना वो सारा का सारा लगा देते हैं। लेकिन जब इन जरूरतमंदों को, जब इन लोगों को जरूरत थी, इन लोगों की जरूरत थी, कुलदीप जी ने हाथ बढ़ाया, इनके परिवार ने हाथ बढ़ाया, इन लोगों की मदद की। अब एक लिमिट है, वो आप देख सकते हैं, इनकी स्थिति देख सकते हैं आप जो इन लोगों को लेके आते हैं। क्या नाम आपका? मैं आप देख सकते हैं, इनको देख के बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। एक भावना है, एक तड़प है, मेरे को खुद को देख के एक मतलब एक गर्व महसूस हुआ कि मैं आज कुलदीप जी के पास आया हूं, एक ऐसे इंसान के पास आया हूं जो सैकड़ों ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव हमने आपको दिखाया है, कोई एडिटिंग नहीं की। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो बनाए हैं, तीन तीन चार चार हर एक कमरे में तीन तीन चार चार लोगों के ठहरने के लिए यहाँ ये प्रबंध किया गया। बापू जी हमारे साथ। बापू जी नमस्कार। नमस्कार जी। की नाम है थोड़ा? गुरचरण सिंह। गुरचरण जी,
तो आप लोगों की इनकी सेवा करते हो, कैसा महसूस होता है? ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਵਰਗਾ ਜੀ, ਬੇਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਆਪ? ਅਲੀ ਕਾ ਆਪ ਪਿਛਲਾ ਗਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਸੇ। ਮੀਰਪੁਰ ਸੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਲੋਕ ਯਹਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਜ ਕਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗਹਿਰਾਈ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ जिनके बच्चे का जो भी स्थिति है, उनको भी ये सहारा कुलदीप जी और इनका परिवार पूरी तरह से देता है और इनको पूरी जो संभाल करता है। इनका खाने का प्रबंध आपको दिखाया है, इनके रहने का प्रबंध हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी की पूरी जो सुविधा इनके लिए कुलदीप जी मुहैया करवाते हैं और भी आपको दिखाते हैं। जो इनका सपना है कि ये इन्होंने एक हॉस्पिटल का भी जो शुरुआत करी है कि ये हॉस्पिटल बनाए, इनकी मदद करें और इन्होंने अप्लाई भी किया है कि आप बता रहे थे कि छोटे बच्चे। हाँ जी सर, जे एक्ट के तहत हमने एक लाइसेंस अप्लाई कर रखा है और चार संहिता के कारण पहले इलेक्शन थे और अभी इलेक्शन दोबारा आ गए, इसके कारण वो लेट हो रहा है। जैसे ही हमें वो लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद हॉस्पिटल और जो मंदबुद्धि विकलांग बच्चों का स्कूल है वो भी हम आने वाले टाइम में बना देंगे जी। इनका सपना है कि ये अभी तो जो 18 साल से ऊपर है उनको लेके आ रहे हैं, उनकी सेवा करें, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो इनको लाइसेंस मिलना है उस एक्ट के तहत इन्होंने अप्लाई किया है। जब इनको वो लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद ये 18 साल से कम यानी कि छोटे एक दो महीने के एक दो दिन के बच्चे को भी ये लेके आ सकते हैं। उसके लिए इन्होंने स्कूल का भी जो प्रबंध किया है, जमीन इन्होंने खरीद ली है, उस जमीन पे इन्होंने स्कूल बनाना है उन बच्चों के लिए और हॉस्पिटल का इनका काम अभी चला हुआ है। तो ये लगातार अपने पल्ले से इन्होंने सब कुछ किया। इनके साथी हैं, एक और भाई हमारे साथ है गाँव से ही, आप क्या कहना चाहोगे जी? वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह जी। असी ये कहना चाहते हैं जी भी बाई कुलदीप जी जिवें सेवा करते हैं, जां असी स्टाफ मैंबर रखे हुए हैं उन्होंने तनखाह भी दिंदे हैं, जां इत्थे सेवादार बंदे जिहड़े सफाई कर्मचारी उन्होंने भी असी पे वगैरह दिंदे हैं। असी ये चाहते हैं भी लोगों को यह जरूरत है भी डोनेशन वध तों वध देना, लाइसेंस भी लेना है इन्हां नूं, बेचारियां नूं रोटी पानी दी, दुध दी, दवाइयां दी बहुत खर्चा ज़्यादा आ जाता जी। एक आम इंसान दिन पूरा दिन कमाता है और उसके घर में जो बच्चे होते हैं उनका पेट पालना मुश्किल होता है, लेकिन कुलदीप जी है, इनका परिवार है, इनके साथी हैं, ये कितना कमाते हैं? जितना कमाते हैं पूरा का पूरा यहाँ लगाते हैं और यहाँ पूरा का खाना बनता है, यहीं पे इनका परिवार खाना खाता है, सारे मिलके यहीं खाते हैं, अलग से घर में खाना भी नहीं बनाते, इनके साथ बैठ के खाते हैं और कितनी असीम इनको खुशी मिलती है। ये जो नज़ारे परिवार लूट रहा है, खुशियां ये जो ले रहा है, ये वाकई में काबिले तारीफ है, परमात्मा के प्यारे हैं और इतनी जो सेवा कर रहे हैं वाकई काबिले तारीफ है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, इन लोगों को जब जरूर थी कुलदीप जी ने, इनके परिवार ने, इनके साथियों ने हाथ बढ़ाया है, लेकिन आज इन सबको, कुलदीप जी को, इनके परिवार को और इन सभी साथियों को जरूरत है, क्योंकि इनकी एक लिमिट थी, इन्होंने अपना सब कुछ इस पे दांव पे लगा दिया, दान कर दिया। तो अब इन लोगों को जरूरत है। तो मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनकी मदद के लिए आप गाँव अलीका आए, सिरसा जिले के अंदर ये गांव अलीका पड़ता है और आप यहां आए और आप देखें, अपने बच्चों को लेके आए यहां, देखें लोगों की सेवा करके आप लोगों को कितना आनंद मिलता है। ये खुशी यह मैं शायद कम बयान कर सकूं, कुलदीप जी बयान करते हैं, कर सकते हैं कितनी खुशी मिलती है आपको इनकी सेवा करके। सर जी खुशी मिलती है इसीलिए मैंने ये काम किया है और हमारे पास जैसे मेरे माता जी ने बताया कि हम इनको खुद खाना खिलाते हैं। जो हमारे पास ना कम से कम 10 मरीज ऐसे हैं जिनके मुंह में खाना डालना पड़ता है, अपने आप अपने हाथ से वो खाना नहीं खा सकते, और 15 मरीज मेरे पास ऐसे हैं जो लैटरिंग पेशाब करते हैं चारपाई पे, अपने आप खुद नहीं कर सकते, ना उठ सकते हैं, ऐसे भी मरीज हैं जो बैठ ही नहीं सकते, मतलब पशु को एक बार हम कह देंगे साइड हो जाए तो हो जाएगा, ये इतना भी नहीं कर सकते, इस तरह के इतने सीरियस मरीज हैं। कई तो हमारे ये लॉक लगे हुए हैं, इनको हम खोल भी नहीं सकते दो मिनट भी, अगर हमने खोल दिया जो कूलर को घेर देंगे या फिर तोड़ फोड़ कर देंगे या किसी के मार देंगे तो आपस में भी लड़ाई कर लेते हैं। उसमें लड़की है, ये उस 10-15 दिन पहले लेके आए थे, लड़की है, चलो ठीक हो जाएगी थोड़ा, उसके बाद उसको खोलेंगे। तो खतरनाक भी हैं और मंदबुद्धि विकलांग हर तरह के, ऐसे ही भी आपको जैसे बाबा जी की आपके साथ बात हुई है, इस तरह से 4-5 हैं वो कमरे में बैठे हैं, इधर बैठे हैं, सही भी है हमारे पास जो बेसहारा आ गए हैं।
बिल्कुल सही भी हैं और थोड़े से बीमार भी हैं और ज़्यादा सीरियसली भी हैं, जो कि बहुत मतलब उनके पास पास कोई आम इंसान नहीं लग सकता, तो उनको बंद करके भी रखना पड़ता है और उनकी भी सेवा ये लोग करते हैं, उनको भी खाना खिलाते हैं, उनको भी नहलाते हैं, पूरा एक इन्होंने सिस्टम बनाया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इन्होंने एक दैनिक दिनचर्या बनाई है पूरी तरह से, ये जो दिनचर्या इनकी चलती है कि सुबह को 5 बजे का उठना है, जो फिर है 5 से 6, फिर इनका नित्य जो नहाना है, व्यायाम है 6 से 7, पूरा का पूरा जो भजन कीर्तन है, नाश्ता है, हर तरह का जो इन्होंने पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया है और उसके अनुसार ये चलते हैं। पूरा का पूरा शेड्यूल सभी के लिए बनाया है और पूरा जो इनको सिस्टम है, सभी को समय पे खाना देना है, सभी को व्यायाम करवाना है, नहलाना है, टॉयलेट बाथरूम लेके जाना है, हर तरह का जो काम है इन्होंने पूरी तरह से सिस्टम बनाया हुआ है। और भी मैं कुछ थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा माता करतार कौर जी आश्रम के बारे में। टॉयलेट बाथरूम जो इन्होंने बनाए हैं और जो ये कमरे बनाए हैं, तो कुछ स्थिति के कारण, कुछ हालात के कारण जो बीच में काम रह गया है, तो इसमें भी इनको मदद की जरूरत है। ये पूज्य माता जो आस कौर जी आश्रम है, इसका बोर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोग आप लोग आ सकते हैं। पूरा का पूरा एड्रेस इसमें दिया गया है। इस तस्वीर को आप अपनी दिल में बसा लें, आंखों की में एक चीज तस्वीर उतार लें, आप देख सकते हैं यहाँ आपने मिलने के लिए के अगर आना है तो यहाँ आप आ सकते हैं। कोई आपकी मदद करना चाहिए जी सर, कोई आपकी मदद करना चाहिए, हाँ जी, हाँ, तो वो कैसे कर सकता है सर? अगर यहाँ पे आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखने के बाद पता चलता है कि बंदा क्या कर रहा है। अगर घर बैठे करना चाहता है तो मेरा नंबर है गूगल पे 70270-99-099। ये ट्रस्ट का अकाउंट है, भारत शांति वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमारे ट्रस्ट का नाम है, उसके अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे। ये जो अकाउंट है इस पे स्क्रीन पे भी हम लिख देंगे और ऊपर जो डिस्क्रिप्शन जो टाइटल है वहाँ भी लिखा जाएगा। इस नंबर पे आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पहले बात कर सकते हैं, पहले बात करें, उसके बाद इनसे आप जो इनकी मदद करना चाहते हैं, वो चाहते नहीं, मैं कहना चाहूँगा सिरसा अपडेट की तरफ से, चाहते नहीं, आपने मदद करनी है, हर किसी ने करनी है। जो कर सकता है, जितना भी कर सकता है वो करे, अगर नहीं कर सकता तो वीडियो शेयर करे, आगे लोगों तक भेजे, ताकि इन लोगों की मदद हो सके। तो ये आपको हमने पूरा दिखाया है। और भी हम साथी से पूछना चाहेंगे, कुछ और कहना चाहते हैं लोगों को आप? सर हम हमारे भाइयों से यही कहना चाहते हैं, बहनों से, बुजुर्गों से, सभी से यही कहना चाहते हैं कि आश्रम में जो हमारे प्रभु प्यारे हैं, उनको खाना खिलाने के लिए या कपड़े के लिए या किसी और डॉक्टरी सहायता के लिए हमारे को पैसे की बहुत ज़रूरत रहती है। हमारा बहुत खर्च हो जाता है, इतना हम कर नहीं पाते। पूरी मेहनत करने के बाद भी हमारे पास कुछ कमी है, तो हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा सहयोग किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दी जाए। हमारे नंबर हैं जैसे 70270-99-099, ये ट्रस्ट का नंबर है, इस पर बात करके पहले देखें, फिर बात करें, उसके बाद इसमें जो डोनेशन देना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, पहले आप लोग यहाँ आए, इन लोगों को देखें और आप जो दान करना चाहते हैं अपने हाथ से इनको खिलाएं, कपड़े दे सकते तो कपड़े पहनाएं, आप अपने हाथ से करें। अगर फिर भी कहीं आप दूर बैठे हैं, नहीं आ सकते, तो इनके नंबरों पे कॉन्टैक्ट करें, इनसे बात करें और इनकी मदद करने के लिए आप हाथ बढ़ाएं। मैं बार बार कहना चाहूँगा, जब इन बेसहारा लोगों को जरूरत थी, इन लोगों ने हाथ बढ़ाया, ये लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ा, उन लोगों के लिए खड़े हुए। आज इन सबको जरूरत है, इनको भी जरूरत है, उनको भी जरूरत है, इन सबको जरूरत है, तो इनके लिए आप लोगों ने हाथ बढ़ाना है, हर किसी ने आगे आना है। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह सिरसा अपडेट की तरफ से, जय हिंद, जय भारत।